हेलो फ्रेंड, सिंघम सिम्बा को एग्जामपुर टीम लेने गई थी, बट उन्होंने 5 दिन बाद बुलाया है। पूरी उम्मीद है कि 5 दिन बाद सिंघम सिम्बा वापस आ जाएंगे, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिंघम सिम्बा को लाने में हमारा सपोर्ट करें। प्लीज़ आप सभी ट्वीट करें कि @PFAIndia पर ट्वीट करना है और #FreeSinghamSimba, तो आपको ये सब ट्वीट करना है। वाली वेन बुला ली और वेन बुला के उन्हें वो ले गई। बाद में कोई कोर्ट केस बनता ही नहीं था। मैं कह रहा तुम कोर्ट केस करते, लेकिन तुम हमारे बच्चों को कैसे ले जा सकते हो? हमने सोचा कि चलो महिलाएं हैं, कहीं ये अभी कुछ और कर दें। हम डर गए, हमने उन्हें जाने दिया। फिर वो हॉस्पिटल गई, हम बोले आप चेकअप कर लो। हमने इनका कोई बच्चा पैदा नहीं किया। हम बच्चे पैदा करके बेचने वाले थोड़ी ना हैं, हम तो टीचर हैं। हमने तो उनको इसलिए पाला कि हमारा शौक है। मन क्या है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी तंग हो जाते हैं अकेले। पढ़ाते पढ़ाते कोई बच्चे से नहीं मिलते, किसी से बात नहीं करते, कई कई दिन घर भी बात नहीं होती। उनसे मिलते हैं तो सारा गुस्सा भूल जाते हैं। उनसे मिलते हैं तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब वो जैसे ही खेलते हैं अपने पास आते हैं ऐसा लगता है कि मतलब अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अच्छे अच्छे आदमी बनते हैं, वो अच्छे आदमी बनने में मदद करते हैं। लेकिन वही है कि जो अच्छा आदमी होता है ना, वो मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी मानता हूँ आज के समय में। सीधा होना, शरीफ होना, साधारण इंसान होना आपके पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। आप अंग्रेजी बोल रहे हो, इंग्लिश में आप इडियट स्टूपिड कह रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हो। आप या अंग्रेजी बोल रहे हो तो आप फिर दुनिया के सबसे ले गए। उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी, चलो कर दो, हमें ऐसा नहीं था, आपको अच्छा लगे। अब कह रहे कि आप उन्हें अच्छा नहीं रखते। अरे तुम हमारा ऑफिस आके देख, वो कहाँ रहते हैं? पूरी छत हमारी है, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ 2 घंटे के लिए बस वो उस रूम में रहते हैं, जिससे कि किसी को काटे ना, जब ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। तुम हमें बता कि हम उसके लिए और क्या सुविधा करें। हम नया घर बना देंगे उनके लिए, हम नया घर बना देंगे, सब कुछ उनके लिए। मगर कह रहे हैं आप अच्छे से नहीं रखते, हम किसी और को दे देंगे। 5 दिन से 3 दिन से लगातार हम में से जा रहे हैं, चार चार पांच पांच लोग हाथ जोड़ रहे हैं, उसके पैर पड़ रहे हैं। कल तो सारी नाली साफ करी, सारे कुत्तों को नहलाया, उनके यहाँ जितने भी कुत्ते थे उनके जितने भी कुत्तों के कपड़े बदलने थे, पोछा लगाया वहां पे। भाई हम तेरी हर हालत करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे बच्चों को दे दे यार। हम सामने नहीं दिखा रहे, हम नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तंग नहीं है। जैसे किसी के बच्चे का अपहरण हो जाता है, हम भी वैसे ही परेशान हैं। बस हम दिखा नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को किसी को दे दोगी। अब हम जा रहे हैं उनके यहाँ पर, जैसे मुन्ना भाई MBBS 2 में संजय दत्त ने किया था, गेट वेल सून, जेल भेज दे, जान से मार दे दिल्ली पुलिस। मगर अब हम सिंघम सिम्बा के साथ वापस लौटेंगे, क्योंकि हमारे बस की नहीं है भाई। ये तो अत्याचार की हद होती है। अब से जबरदस्ती आप गलत तरीके से रख रहे हो, मान लेता हूं आप गलत तरीके से रख लेते, हम कह रहे ले जाओ। अगर हम गलत तरीके से रखते, अरे हमारे में क्या कमी है, आप देखो तो सही, हमारी जगह को आकर जगह आकर देखने के लिए तैयार नहीं। कह रहे कि किसी और घर में पल जाएंगे, हमसे ज्यादा प्यार दे देगा। एक बीमार हो गई थी मेरी सिंघम, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल भी उसके पीछे फेल है आदमी का, अपोलो से भी बड़ा हॉस्पिटल है पेट का, पालतू पशुओं का, इनी डॉग्स का। उस हॉस्पिटल से इलाज करवाया उसका, 4 महीने की एक एक कमाई अपनी सिम्बा को बचाने पे लगा गया। रूम नहीं है मेरे पास अलग से, यहीं पे रहता हूँ कि चलो 7-8 हज़ार रुपये बचाऊंगा, कुछ काम हो जाएगा मेरा कि इनके सिंघम सिम्बा को और अच्छे से पाल पाऊंगा। मतलब एक एक चीज सिर्फ ये सोच के करता हूँ कि मेरे बच्चे कैसे और अच्छे से पल जाएं। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इनको किसी के इनके बच्चे बेचेंगे या कुछ भी ऐसा। और वो कह रही है किसी और को दे देगी, कैसे कोई और पाल लेगा अच्छे से? मैं कह रहा हूँ कोई एक, वो डॉक्टर बोला था कि ये बचेंगे नहीं, इनको हटा दो। मैं बोला था ये बचेगा, इनके पीछे हजारों बच्चों की दुआएं हैं, इसके पीछे हजारों बच्चों का प्यार है, लाखों बच्चों की दुआएं हैं, हमारे सिंघम सिम्बा बचेंगे। तो आप सभी लोग जो घरों पर हैं अपने, आप सभी लोग जैसे आपने एग्जाम्पल को वापस लाने के लिए ट्वीट किया था, ऐसे ही #FreeSinghamSimba, ये F छोटा है, फ्री सिंघम सिम्बा।